स्टार्ट हो गया क्या? आप उठा के जो है रेडी। हरि ओम श्रीष्यते लक्ष्मी पद्म्यां बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् तिष्ठन्निखाणा मुम्मयिकाण सर्वलोकमयिकाण ओम मायास्त्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्व। ओम महालक्ष्मी नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम लीजिए पुष्प। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततम् मोदक प्रियम् निर्विघ्नम् कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवते नमो नमः महालक्ष्मी देव्ये नमो नमः वरुणाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। बोले महालक्ष्मी मात की जय, वरुण भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, दीप नारायण भगवान की जय। नमस्करोमि। रोल क्या कहना चाहेंगे? आज दिवाली का दिन है नगमा जी, और किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट की आपने, कुछ शेयर करेंगे आप? सबसे पहले आई वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल दिवाली। और जहाँ बात रही तैयारी की, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की हमने, और आज सुबह हम ऑर्फनेज गए और हमने कोशिश की कि इस साल दिवाली हम कुछ स्लम्स के जो बच्चे हैं उनके साथ मनाएं, क्योंकि देखा जाता है कि हम अपने आप में इतना व्यस्त रहते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पार्टी करना, कि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे कि वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्लम्स के, वो परिवार होते हैं, वो नए कपड़े नहीं खरीद सकते, मिठाइयाँ नहीं खा सकते, वो फुलझड़ियाँ नहीं जला सकते। तो मतलब अगर हम उनको हेल्प नहीं करेंगे, हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और बस मैंने भी समझा, और मैंने अपनी दिवाली का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा टाइम उन बच्चों के साथ, उन स्लम्स के परिवार के साथ मनाया। आपको कितनी खुशी हुई और उन बच्चों को कितनी खुशी हुई जब आप उन बच्चों के बीच में गए दिवाली मनाने के लिए? तो किस तरह की फीलिंग थी उन बच्चों के चेहरे पे? और आप लिटरली वो लोग इतना खुश हुए कि मैं पहले तो मैं ढूंढ रही थी कि मतलब इधर एक बच्चा उधर, फिर मैं मतलब गाड़ी से उतरी और मैंने एक बच्चे को खाने के फ्रूट्स दिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स दिया उनको, फिर चॉकलेट्स दिया, फुलझड़ी के पैकेट्स दिए, और सारे बच्चे मतलब इस तरीके से इकट्ठे हो गए, दीदी हमें भी, दीदी हमें भी। तो आई कैन फील दैट थिंग, उनकी आँखों में जो वो सेटिस्फेक्शन था, वो जो खुशी थी, मुझे लगता है उसका कोई मोल ही नहीं है। मतलब इट वॉज वन इन अ मिलियन यू कैन से, कि वो इतना खुश हुए और इतनी दुआएं दी। वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि दीदी आप अगले साल फिर से आना। तो उनकी खुशी देख के मुझे फील हुआ कि शायद आज भी हमें खुशी का जो रियल डेफिनेशन है, वी रियली डोंट नो कि कौन सी चीज़ हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी दे सकती है, जो आज मैंने लिटरली फील किया कुछ समय अपना उन गरीब बच्चों के साथ बिता के। बहुत शांति मिली होगी मन को, बहुत, एक बयान नहीं कर सकती, शायद आंसू भी आ गए हों आपके। बहुत ज़्यादा, मैं वैसे भी थोड़ी सी इमोशनल हूँ, तो वहाँ पे जब मैंने देखा, और बात बच्चों की नहीं है, वहाँ पे जो मतलब एजड थे, अंकल थे, आंटी थे, दादा दादी नाना नानी टाइप के थे, वो भी अपना हाथ फैला रहे थे कि मतलब यू नो खाने को दे दो। एंड लिटरली वो एक डिफरेंट दुनिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को आप जितना कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करना है, बट अपने हिस्से की अगर थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा समय आप उन बच्चों के लिए, उन गरीब वृद्ध लोगों के लिए निकाल सकते हो, तो ज़रूर निकालिएगा। देखना जिंदगी और ऐसे कई दिवाली, कई त्यौहार आपके लिए डबल खुशियाँ लेके आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये मैसेज है एक तरह से, अगर आप जी तो देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बैगर्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं मिल ही जाते हैं, तो वो पीछे पीछे आते हैं, दीदी 10 रुपये दे दो खाने के लिए, दीदी ये दे दो वो दे दो। तो उनकी वो फील बहुत अलग है, क्योंकि वो हमारी जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो हमें देख के ही खुश हो रहे हैं, और उनको भी ये एक्सपेक्टेशन है कि काश कोई हमें एक अच्छा कपड़ा दे दे, अच्छा कुछ खाना खिला दे, जैसे कि दिवाली का त्यौहार है, कोई हमें थोड़ा सा फुलझड़ी जलाने के लिए दे दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर हम कुछ कर पाए उन लोगों की खुशी के लिए,
तो ऐसा होगा कि वो तुम और मैं से हटके वो हमारी दिवाली हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है कि वो लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, हम कर पाते हैं, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है। तो मैं ये चाहती हूँ और ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, वो मैं और तुम्हारा नहीं हो के वो हमारा हो, और हमारा वो तभी बनेगा जब हम सब मिलके खुशियाँ बांटेंगे। शॉपिंग की अगर बात की जाए तो क्या दिवाली के दिन आपने खरीदा, क्या कुछ बताएंगे? ओके, शॉपिंग, लड़कियों को तो शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, भूत सवार होता है, मतलब बहाना चाहिए था शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे कि दिवाली है और मैं इस साल अपने घर नहीं जा पाई क्योंकि शूटिंग्स के कुछ कमिटमेंट हैं, तो मैं बस यहाँ पे हूँ मुंबई में, और अपने लिए कुछ ड्रेसेस ली मैंने, छोटे मोटे बैग्स लिए, हल्का पुल्का सा विंडो शॉपिंग, कुछ खास नहीं इस साल, क्योंकि मैंने इस साल दिवाली थोड़ा सा सिंपल रखा और प्यार भरा रखा, बहुत सॉफ्ट रखा, और इस तरीके से इस बार दिवाली की प्रिपरेशन हुई। अब प्रोफेशन की बात करते हैं, तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आजकल, क्या प्रोजेक्ट है कुछ? ओके, तो रिसेंटली मेरी दो शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है, फरीब और मलिका। अगले महीने मेरी साउथ की एक मूवी रिलीज हो रही है, इट्स अ बिग रिलीज फॉर मी, इट्स अ कन्नड़ मूवी और उसका नाम है चाणक्षा। और रिसेंटली मैंने अभी अजमेरा बिल्डर्स के लिए एक ऐड किया है, जो कि हालांकि आज ही दिवाली के शुभ दिन पे वो रिलीज़ हुई है। और बाकी म्यूज़िक एल्बम मेरे दो आ रहे हैं, रंग दे और दिल जानिया, वो भी रिलीज़ होने वाली है। और दिसंबर से मैं एक सीरियल की शूट कर रही हूँ, और कई सारे शॉर्ट फिल्म्स भी है, तो नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, बट काफ़ी चीज़ें हैं। और आप नए साल में मतलब आप काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी स्क्रीनों में, काफ़ी अलग अलग शोज में मुझे ज़रूर देखेंगे। कुछ चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगी आज के दिन? हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिमूव तुम्हारा है, मेरा है, उसका है, इसका है, ऐड हमारा है। और दिवाली का माहौल है, हर तरफ उजाला है, दिया है, दियो की किरणें हैं, इसी तरह सब अपनी ज़िंदगी में उजाले से, आपकी ज़िंदगी उजाले से भर जाए। और हेट्रेड को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, अहिंसा नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ हमारी ज़िंदगी में रहनी चाहिए, वो है मोहब्बत, प्यार, शांति। तो प्लीज़ बी पीस, बी हैप्पी, एंड येस, डोंट बर्न क्रैकर्स, बिल्कुल नहीं, क्रैकर्स से दूर रहिए। बस बर्न करना है तो अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं उसको बर्न करिए, अपने अंदर की जो सेल्फिशनेस है, ईगो है, हेट्रेड है, उन सबको आज बर्न कर दीजिए, बट डोंट बर्न क्रैकर्स, एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी फिट, एंड कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।